कानपुर में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा मेन बॉडी और पार्टी के सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव सिसोदिया ने अभियानों की समीक्षा करते हुए आने वाले कार्यक्रमों से अवगत कराया। इस दौरान वक्ताओं ने जानकारी दी कि आने वाली 10 जनवरी से जिले भर के शहीद स्मारकों की साफ सफाई के लिए अभियान चलाया जाएगा। सैनिक सम्मान कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में विधायक कमलेश सैनी, जिला उपाध्यक्ष विवेक कर्णवाल, जिला मंत्री मनोज कुमार सहित भारी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। अपने जिले के समन्वय टोली के साथ बैठकर इनमें कौन कार्यकर्ता इसकी चिंता करने के लिए, इन अभियानों की चिंता करने के लिए पदाधिकारियों से लगेगी, उसकी चर्चा करकर लगेगी। सभी के जो प्रकोष्ठों के प्रकोष्ठों के जो अपने जिले के स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनको इन कार्यक्रमों की एक रूपरेखा बनेगी। उन रूपरेखाओं को ध्यान में रखकर शेष आगे आने वाले कार्यक्रमों को हम अपने स्तर पर उसी योजना के आधार पर बनाएं। जिला कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, ये हमारी विस्तृत बैठक थी। जो हमारा पार्टी है उसने फ्रंटल संगठन सबको अपने बुलाया था, 6 उसके अंदर मोर्चे हैं, हमारे प्रकोष्ठ हैं, प्रकल्प हैं, और पूरे जिले को हमने अपनी रचना को 35 मंडलों में बांटा है। तो हमने सभी मंडल अध्यक्ष, उसके ऊपर के जो जिला स्तर के हमारे पदाधिकारी थे मेन बॉडी के या फ्रंटल संगठनों के, हमने परिचयात्मक दृष्टिकोण से ये बैठक आमंत्रित करी थी। वो हमने सबका परिचय लिया और हमने मेंबरशिप चला रखी है अपनी पार्टी की उसका, और बूथ समिति हमारी 2994 कुछ जिले के बूथ हैं, हमने 2562 हमारी बूथ समिति का गठन यहाँ पूर्ण हो चुका, और हमने सदस्यता जो हमारी टोल फ्री नंबर से सदस्यता है, उस सदस्यता की जानकारी हमने अपनी पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारी, ताकि जो रचना है उस रचना को दुरुस्त कर सकें। तो अभी जो चुनाव आगामी प्रस्तावित है, 4 महीने के लगभग में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उस चुनाव में चूंकि हमारी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके और ये विजय प्राप्त कर सके, उसके लिए हम अपने संगठनात्मक तंत्र को दुरुस्त करने के लिए बैठक आए।